हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार इन्वेस्ट फॉरएवर में चेंज हो चुका है। ये बार बार मुझे कहना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इन्वेस्ट फॉरएवर में हम इसी तरीके की वीडियो लाएंगे और थोड़ी सी क्वालिटी पे मैं भी ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी एज वेल एज द वॉइस। सो उसके लिए भी मैं धीरे धीरे रेक्टिफायर कर रहा हूँ और भी कोई भी कमी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर से रिलेटेड, एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेडी, कैडिला। यहाँ पर तीनों ही कंपनी है, तीनों दिग्गज कंपनी है। ओके, एज वेल एज बात की जाए तीनों कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और तीनों ही कंपनी की बात की जाए तीनों कंपनी वैक्सीन बना रही है। एक एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड बना रही है, डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक भी, एज वेल एज कैडिला। तो कैडिला हमारी अगर बात की जाए कोवैक्सीन बनाती हुई हमें नजर आएगी। तो यहाँ पर तीनों देखिए, 2 वैक्सीन है भारतीय है। ओके, कोविशील्ड यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की नजर आती है और डॉक्टर रेड्डी हमारी रशिया की, एज वेल एज कैडिला जो हमारी इंडिया की होममेड, अगर बात की जाए हमारी आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने वाली एक वैक्सीन कह सकते हैं, इंडिया की 100% देसी कैडिला हमारी एक वैक्सीन बनती हुई नजर आ रही है। तो इन्हीं तीनों शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। इनके पी रेशो एज वेल एज रिजल्ट के बेस पे ही मैं अपने व्यू दूंगा। तो आपके व्यू अलग हो सकते हैं, मेरे व्यू अलग हो सकते हैं। कौन सा शेयर अच्छा है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। ओके, तो कौन सा शेयर मेरे पास है, कौन से शेयर से रिलेटेड हमने पहले वीडियो बनाई है, तो उसी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और एसएमएस फार्मा से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आई है, स्मॉल कैप मल्टीबैगर यहाँ पर शेयर है जिसने 496% के रिटर्न 14 मंथ्स में दिए है। एज वेल एज ब्रेकआउट स्टॉक है चार्ट ऑफ द वीक, अवंती फीड से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको आ चुकी है, जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड बनाती हुई नजर आती है आपके सामने है। और यहाँ पर अब देखें इसका आज के डेट में गिरे हैं, इसके रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट आया, हम उसका भी कंपैरिजन करेंगे। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, ऊपर की तरफ जाया हुआ है। और अगर बात करें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, पहले तो ये चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हमने ये यहाँ पर बात करी है। और 6 मंथ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 4900 रुपीज़ तक ये शेयर गया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट आई। और बात करें तो 25% 30% के आसपास ये शेयर अभी भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, इससे पहले भी यहाँ पर एक वीडियो बना चुका हूँ एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड और वहाँ पर हमने बताया भी है कि इस शेयर का टारगेट प्राइस कहाँ निकलता है, आज उससे रिलेटेड भी हम बातें कर लेंगे। एज वेल एज बात करें डॉक्टर रेड्डी की, डॉक्टर रेड्डी अगर बात करें 6 मंथ से एक ही पीरियड में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 5500 के आसपास यहाँ पर शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। एज वेल एज कभी न्यूज आती है तो भागता हुआ नजर आता है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पर न्यूज आई तो इसके बाद यहाँ पर भागता हुआ नजर आया और अच्छे खासे रिटर्न 23-24% के यहाँ पर देता हुआ नजर आया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी सेम उसी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। शेयर अच्छा है बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी एज वेल एज यहाँ पर कंसोलिडेशन और बात करें यहाँ पर गिरावट भी उसी तरीके से होती हुई नजर आती है। कैडिला भी अगर बात करें फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसके भी रिजल्ट मार्केट में आ चुके हैं और इसके रिजल्ट हमने शो भी किए थे। और सेम चार्ट पैटर्न हम सारी कंपनी के नजर आते हैं और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स देते हुए नजर आया। जब ये शेयर लगभग यहाँ पर चल रहा था 430 के आसपास, ओके, तब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था इस शेयर को ले लीजिए, काफी अच्छे दाम पे मिल रहा है। तो 47-50% के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल चुका है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी काफी बेहतरीन है। बट वॉलेटिलिटी एस कंसोलिडेशन और यहाँ पर गिरावट, ये तीनों अगर आपके पास सहन करने की, टॉलरेट करने की यहाँ पर क्षमता है तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लगभग 50-60% ये तीनों के तीनों शेयर गिरते हुए नजर आए हैं। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ये एस्ट्राजेनेका के रिटर्न्स है। देखिए यहाँ पर 1 वीक में पॉजिटिव है बट 1 मंथ में यहाँ पर नेगेटिव है। 3 मंथ्स में लगभग 10% के रिटर्न है, 1 ईयर में लगभग 30% के रिटर्न दिए, 2 ईयर्स में 90% के, 3 ईयर्स में 218, 4 ईयर्स में 303, 5 ईयर्स में 256 और 10 ईयर्स में 205% के ही रिटर्न यहाँ पर इस कंपनी ने देते हुए नजर आई है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी रेड्डी की, तो डॉक्टर रेड्डी देखिए वन डे का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न, 1 वीक में नेगेटिव, 1 मंथ में यहाँ पर 3% के रिटर्न, 3 मंथ्स में 17, 6 मंथ में 7%, 1 ईयर में 33%, 2 ईयर्स में 96, 3 ईयर्स में 161, 4 ईयर में 115 और 10 ईयर्स में 233%। एज वेल एज कैडिला की बात करते हैं, कैडिला के रिटर्न वन डे को छोड़ के सारे पैरामीटर यहाँ पर पॉजिटिव नजर आते हैं और 10 ईयर्स में 252% के रिटर्न और 1 ईयर में 83% के रिटर्न देखते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं 1 ईयर के, तो 1 ईयर में कैडिला ने 83%, डॉक्टर रेड्डी ने 33% और यहाँ पर बात करते हैं 1 ईयर में इसने 29%। तो बात करें कैडिला ने सबसे ज्यादा रिटर्न हमें देते हुए नजर आया है 1 ईयर में। और 10 ईयर्स की बात करते हैं, कैडिला ने 252, डॉक्टर रेड्डी ने यहाँ पर 233 और यहाँ पर बात करें 205% के रिटर्न एस्ट्राजेनेका ने 10 ईयर्स में दिए। तो 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स में भी यहाँ पर कैडिला यहाँ पर विनर नजर आता है, यहाँ पर हर पैरामीटर पे यहाँ पर शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। लॉन्ग टर्म की बात करें और शॉर्ट टर्म में भी तो कैडिला यहाँ पर एक तरीके से जीतता हुआ नजर आता है। और बात करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट से रिलेटेड पीई की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका का पीई यहाँ पर देख सकते हैं 101 का है। अगर बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी का तो 44 का है और कैडिला की बात करते हैं 27। तो देखिए रिटर्न सबसे ज्यादा कैडिला ने दिया और पीई यहाँ पर बात करें सबसे कम इसी का है, 27 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो काफी लोग पीई को देख के यहाँ पर स्टॉक खरीदते हैं। तो पीई में भी अगर बात करें कैडिला सबसे सस्ता शेयर हमें नजर आता है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, आरओसीई की, तो यहाँ पर देख लीजिए 15% का आरओसीई है, यहाँ पर भी 15% है और एस्ट्राजेनेका में 30% का आरओसीई है। आरओसीई हमें 30% ही चाहिए होता है, 25-30% का आरओसीई हो, उधर हम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और काफी बेहतरीन हमें रिटर्न्स वहां पर मिलते हुए और मल्टी बैगर कंपाउंडिंग में वो चीज मदद करती है। तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका यहाँ पर विनर नजर आती है। एज वेल एज डेट की बात करते हैं तो डेट यहाँ पर केवल 3% का डेट है एस्ट्राजेनेका में, डॉक्टर रेड्डी की बात करें 17% का डेट है और यहाँ पर कैडिला में 28% की। तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका डेट यहाँ पर कम डेट नजर आता है और डेट फ्री भी कहे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। प्लेजिंग अगर बात करें एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डी और कैडिला तीनों में ही प्लेजिंग यहाँ पर कम हमें नजर आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें कैडिला और एस्ट्राजेनेका यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा पीछे हमें नजर आता है कुछ पैरामीटर्स के। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में, तो अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं Q4 के रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं 161 से लेके 210 यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिटर्न्स इसने रेवेन्यू पेश करे है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की, तो डॉक्टर रेड्डी ने यहाँ पर अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट लास्ट टाइम से थोड़े गिरते हुए नजर आए हैं, बट यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर रिजल्ट में नजर आती है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर कैडिला की, तो कैडिला के भी रिजल्ट अगर देखते हैं तो कैडिला भी यहाँ पर देख लीजिए 2894 से लेके 3847। तो कैडिला के भी यहाँ का इस बार के जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा रेवेन्यू नजर आते हैं। और एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पर इनका मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल कैडिला की देखिए तो 63,000 के आसपास यहाँ नजर आती है लार्ज कैप। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की तो 86,000 करोड़। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर एस्ट्राजेनेका तो 9450 करोड़। तो मतलब ये एस्ट्राजेनेका स्मॉल कैप नजर आती है, बाकी यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी और कैडिला यहाँ पर लार्ज कैप नजर आती है। तो यहाँ पर लार्ज कैप और स्मॉल कैप का डिफरेंस आपको पता ही है कि लार्ज कैप में पैसा हमें ज्यादा लगाना होता है और लार्ज कैप में थोड़ी सी सहूलियत होती है कि ये थोड़ा कम रिस्की ना हमें नजर आता है। और एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करें तो कैडिला का नेट प्रॉफिट 679 करोड़ रुपीस का है, ओके, इस बार का, जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है। एज वेल एज डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट 557 है और इसका प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा, इसका भी मतलब 27 करोड़ रुपए का, मतलब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन तीनों ही कंपनी ने जनरेट करके यहाँ पर दिखाया है। एज वेल एज एस्ट्राजेनेका के ईयरली बेस पे हम बात कर लेते हैं तो ईयरली बेस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं सीधे, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर एस्ट्राजेनेका का नजर आया है। अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की तो इसका भी प्रॉफिट देखिए यहाँ पर लगभग सेम ही नजर आ रहा है पिछले 3 साल से अगर बात करें। और बात करें कैडिला की तो कैडिला ने भी यहाँ पर अगर बात करें हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है। तो बात करते हैं कैडिला की तो कैडिला यहाँ पर मुझे अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है हर एक पैरामीटर्स पे। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर डेट फ्री लगभग नजर आती है एस्ट्राजेनेका, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा डेट है बट, और रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे, यहाँ पर इनके रिजर्व्स है, एस्ट्राजेनेका के रिजर्व्स अच्छे खासे है, ओके। यहाँ पर बात करें लगभग 17,000 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स इसके पास भी है। और बोरिंग यहाँ पर बात करें, बोरिंग यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की बढ़ती हुई नजर आती आती है। और कैडिला की बात करें तो कैडिला की बोरिंग यहाँ पर थोड़ी लगभग हाफ नजर आ रही है। कैडिला धीरे धीरे अपने आप को बोरिंग को कम कर रहा है और इनके रिजर्व्स भी काफी बेहतरीन है। तो मतलब हर पैरामीटर पे यहाँ पर कैडिला थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अपने आप में खर्च भी कर रहा है। फिक्स एसेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कैडिला के, एज वेल एज बात करें यहाँ पर डॉक्टर रेडी भी खर्च करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि स्पुतनिक भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। और ये अगर बात करें यहाँ पर एस्ट्राजेनेका भी खर्च करता हुआ नजर आ रहा है। एज पर दे आर मार्केट कैपिटल एज वेल एज मार्केट कैप के हिसाब से ही सब कुछ खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका का 0 इन्वेस्टमेंट है और डॉक्टर रेड्डी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 2808 करोड़ का, और कैपिटल अगर बात करें कैडिला की, कैडिला का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 830 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैडिला की बात करें तो 75% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की 26% के है। एस्ट्राजेनेका की अगर बात करते हैं तो एस्ट्राजेनेका के 75। तो दोनों मामले में अगर बात करें एस्ट्राजेनेका और कैडिला यहाँ पर विनर नजर आती है। एफआईज की होल्डिंग की बात करें 2.43 यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की है, डॉक्टर रेड्डी की 29% है और बात करें यहाँ पर एफआईज की कैडिला की 5% है। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी के यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग अच्छी खासी है, बट प्रमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी वो वहां पर अच्छा खासी कंपनी परफॉर्म करके दिखाती है क्योंकि मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे विश्वास है। अगर बात करें डीआईएस की, डीआईएस के 11% के लगभग की यहाँ पर होल्डिंग है कैडिला में, 14% की डॉक्टर रेड्डी में और 0.93% की ही यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की होल्डिंग है एस्ट्राजेनेका में। अगर पब्लिक की बात करें 21% यहाँ पर, 28% और यहाँ पर अगर एस्ट्राजेनेका की बात कैडिला की बात करते हैं तो 8% की यहाँ पर होल्डिंग हमें नजर आती है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी कंपनी नजर आ रही है कैडिला, बट उसके बाद अगर बात करें तो एस्ट्राजेनेका भी अच्छी खासी और डॉक्टर रेड्डी भी अच्छी खासी, तीनों बेहतरीन कंपनी यहाँ पर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ओके, डिफ्रेंशिएशन करना एक वैसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि क्योंकि देखिए हर एक की पसंद अलग अलग होती है, बट स्टिल अगर बात करें कंपनी की तो देखिए कैडिला के पॉइंट्स काफ़ी सारे यहाँ पर अच्छे खासे हमें नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी की भी बात करें तो डॉक्टर रेड्डी भी बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर एफआईआईज अपनी होल्डिंग अच्छे खासी बनाए हुए है। शेयर एस्ट्राजेनेका की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पर वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज है तो यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। कैडिला ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना शेयर। ओके, मुझे लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीन की सेलिंग आउट होनी शुरू होगी, एक बार दोबारा वैक्सीन यहाँ पर बच्चों के लिए भी आ रही है वो, और अपने देश की भी वैक्सीन है तो कैडिला यहाँ पर अच्छा खासा और फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाके फिर अच्छा खासा भाग सकता है और ऑल टाइम हाई इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट नजर आया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एस्ट्राजेनेका, और इसमें एक सवाल और एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड काफी लोग पूछ रहे हैं इसका टारगेट क्या है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टॉक की इसका टारगेट क्या निकल के आ सकता है। मुझे जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अगर बात करें इसी लेवल पर ये काफी बार यहाँ पर सस्टेन किया है, इसी लेवल पर जा जाके बार बार रुक रहा है और यहाँ से रिवर्स ले रहा है। तो 4700 के आसपास जाके ये यहाँ पर तक के रिटर्न मतलब 24% के रिटर्न आप हमारे सामने नजर आ रहे हैं। बट अगर बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पर शेयर फिर भागता है, यहाँ पर कुछ ना एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो हमने बनाई है उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं फिर भी अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक हेड और फिर यहाँ पर एक शोल्डर, और जब इस तरीके से यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा तो शेयर भागता हुआ नजर आएगा। शेयर अच्छा खासा अगर बात करें यहाँ पर गेन देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये शेयर अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा और भागता हुआ नजर आएगा। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा आ जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की कि डॉक्टर रेड्डी किस तरीके का यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना रहा है। डॉक्टर रेड्डी भी बार बार देखिए इसी लेवल पर आके अगर हम देखें तो इस लेवल पर आके बार बार सस्टेन हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए बार बार इस लेवल पर आता है, रुकता है, इस लेवल पर आता है, रुकता है, जब तक यहाँ पर कुछ स्पुतनिक वी से रिलेटेड ज़्यादा वैक्सीन नहीं आ जाती, सेल आउट होना शुरू नहीं हो जाता, देश में लोग स्पुतनिक वी को ज़्यादा बिलीव करना शुरू नहीं करते, तो डॉक्टर रेड्डी फिर कंसोलिडेट बनना इसी लेवल पर करते रहेगा। बाकी डॉक्टर रेड्डी देखिए यहाँ पर शिल्पा मेडिकेयर से भी रिलेटेड न्यूज़ आई थी, वो यहाँ पर इस कंपनी के स्पुतनिक वी को यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। एज वेल एज बात करें यहाँ पर ग्लैंड फार्मा भी बनाती हुई नजर आएगी। तो डॉक्टर डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पर फिर कम प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। बट अगर बात करें एस्ट्राजेनेका और कैडिला की, तो यहाँ पर ये इनकी खुद की वैक्सीन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा भागते हुए नजर आएंगे। कैडिला ने जो कि लास्ट टाइम यहाँ पर दिखाया भी है, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न कैडिला ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, अच्छा खासा यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया, एक रैली यहाँ पर बनाती हुई नजर आई और एक मल्टीबैगर रिटर्न जिसे हम कहते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमने शेयर सुझाया भी था आपको और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर लगभग 60% के रिटर्न इसने 1 से 2 महीने के अंदर अंदर देते हुए नजर आया था। तो ये एक कंपैरिजन था कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्राजेनेका। मेरी बात की जाए तो मुझे कैडिला के सबसे अच्छे रिजल्ट लगे, एज वेल एज ये अपनी इंडिया की भी वैक्सीन बना रहे हैं। एस्ट्राजेनेका उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक बी से रिलेटेड है, तीसरा और थर्ड पार्टी है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3-4 और लोग आ गए, ग्लैंड फार्मा आ गया है, एज वेल एज बात करें शिल्पा मेडिकेयर आ गया है। तो यहाँ पर ये सब चीज तीनों में डिवाइड हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कम ही होगा। बाकी एस्ट्राजेनेका का प्रॉफिट अच्छा खासा है और कैडिला का भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नजर आएगा। ये मेरी स्टडी है, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपके व्यू अलग हो सकते हैं, मेरे व्यू अलग है, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप जाइए, चार्ट पैटर्न देख के, इनकी बैलेंस शीट देख के, इनका रिजल्ट देख के आप अपना व्यू दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर जो आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे नजर आए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।